हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग निकले हैं मूवी देखने और हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर। और हम लोग अभी तीन जन जा रहे हैं, मैं और गबरा बॉय पीछे है और सामने जा रहा है सुरेंद्र भाई, वो तो पूरा रॉकेट होकर जा रहा है। तो एक्चुअली आज संडे है और हम लोग अभी सुबह सुबह निकले हैं। हम लोग का शो है कितना, 11:30 बजे है हम लोग का शो। तो अभी तो 10 बज रहा है, हम लोग को 1.5 घंटा के अंदर पहुंचना है वहां। और एक्चुअली हम लोग का सैटरडे को हुआ था टिकट, बट भाई मैं सो गया था, लेट हो गया और उस दिन का पैसा बर्बाद भाई, हम लोग जा नहीं पाए उस दिन। टिकट विकेट सब था और मैं बाद में आपको होगा तो मैं दिखा दूंगा, और वो सब पेमेंट किया था सुरेंद्र ने। और भाई कल हम लोग जा ही नहीं पाए तो वो थोड़ा सा नाराज था, इसलिए हम लोग फिर आज फिर से जा रहे हैं देखने के लिए। और देखते हैं आज जल्दी टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज जल्दी निकले हैं। कल तो हम लोग घर से निकलते ही हो गया था 11 बजे और 25 मिनट में कहाँ पहुँचते, तो इसलिए हम लोग नहीं गए और आज जा रहे हैं। घबरा भाई है और हम लोग जस्ट अभी निकल रहे हैं पूरी से, अभी हम लोग मालती पाटोपुर पे हैं। अरे यार क्या रोड है भाई, बस आज सही टाइम से पहुंच जाए नहीं तो फिर से ये गुस्सा करेगा। और हाँ, हम लोग जा रहे हैं ब्लैक एडम देखने के लिए। और अगर आप लोग कोई गए हो तो बताओ मूवी कैसा है। हम लोग तो अभी निकल रहे हैं, देखते हैं देखने के बाद कैसा लग रहा है वो हम लोग आपको बताएंगे। यहाँ पे चलाने को अच्छा लगता है और आज का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है भाई, ज़्यादा धूप भी नहीं है। एक्चुअली इधर साइक्लोन होगा बोल रहे थे ना, तो आज से ही थोड़ा ऐसे मौसम बनाया है। देखिए इधर धूप बिल्कुल भी नहीं है, शायद बारिश वारिश भी होगा, और बारिश होने से पता नहीं मैं वीडियो भी कैसे बनाऊंगा। डेली मोटो ब्लॉग बनाने में यही दिक्कत है, क्योंकि अगर मौसम वौसम ख़राब हुआ तो आप वीडियो भी नहीं बना सकते। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। 400 cc है ना, नौटंकी मार रहा है। हम लोग 200 cc में, वो भी दो जन बैठे हैं। तो अभी हम लोग आधा दूर आके पहुंच चुके हैं। और ये जैसे कि आप लोग को पता होगा, इस KTM RC में हम लोग 13D फ्रंट स्पोकर लगवाए हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये बाइक कितना जाएगी। और अभी हम लोग दो जन बैठे हैं, मतलब गबरा बॉय पीछे बैठा है और मैं अभी चला रहा हूँ। तो देखते हैं बाइक कितना जाती है। इसका इनिशियल बढ़ गया है बट टॉप स्पीड कम हो जाती है 13D स्पोकेट लगाने से। रॉकेट हो गई। इतना ही जा रही है, अभी हम लोग गए दो जन बैठे हैं तो 125 तक गई और लिमिटर नहीं आई थी, बट अगर हम लोग एक ही जन इसको चलाएंगे तो 128 तक जाती है। मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, वो मज़ा
मज़ा आ गया। और भाई बस बारिश ना हो जाए, थोड़ा देखिए मौसम पूरा बारिश का बनाया है, बारिश हुआ तो गया भाई साहब। और हम लोग को जाना होगा 18 किलोमीटर और उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए और कितना दूर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए भुवनेश्वर 18 किलोमीटर्स। और अभी हम लोग एक जगह पे रुके थे थोड़ा ऐसे ही, मतलब सुरेंद्र को क्या बाइक चलाते वक्त उसको नींद लगा तो वो एक जगह पे पानी पी रहा था, फिर पानी पीने के बाद वहाँ पे हम लोग पैसा नहीं दिए हैं और आ गए थे, तो फिर से अभी लौट के जा रहे हैं उधर पैसा देने के लिए। पैसा देना कैसे भूल गया पता नहीं अभी। फिर भी पैसा लौटा देते हैं, अरे हम लोग चाहते तो हम लोग जा सकते थे बट उनका मेहनत का कमाई है और हम लोग ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। वो भी हम लोग 3-4 किलोमीटर तक आ गए हैं आगे, फिर इसको याद आ रहा है ये पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ टोल गेट है उसके आगे हम लोग रुके थे। अरे भाई पैसा दिए नहीं है और चले गए थे। दे दिया ना, हो गया, कैसे भूल गया था वे? उसमें नहीं, चलो मैं, तू गाड़ी चलाते वक्त तेरे को नींद कैसे लग रहा है? अबे आज कुछ किया था रात को? अभी हम लोग को फिर से जाना पड़ेगा। और अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 10:41 हो गया, 11:30 बजे तक हम लोग को पहुंचना है बट पहुंच जाएंगे तो लग रहा है जो सही से। 20 minutes later और अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं। अभी ये कौन सा रास्ता है, मार्केट बिल्डिंग के पास है ना हम लोग? अभी हम लोग मार्केट बिल्डिंग के पास है और आप देखिए यहाँ ट्रैफिक में, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। अभी बहुत लेट हो गया, अभी देखिए टाइम देखिए 11:03 हो रहे हैं। हाँ 20 मिनट्स में हम लोग को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, नहीं पहुँचने से फिर लेट हो जाएंगे आज भी। देखते हैं पहुँच जाएंगे तो लग रहा है। पहुंचना है अपने को भाई, छोड़ दो हमें। अरे यार फिर से और एक ट्रैफिक। पूरी में एक भी टॉकीज नहीं है, नहीं तो हम लोग वहीं पे देखे होते। मतलब मूवी देखने के लिए हम लोग को सोचिए कितना दूर आना पड़ रहा है, 70-80 किलोमीटर हम लोग को एक बस मूवी देखने के लिए आना पड़ रहा है। बट चलेगा, दोस्तों के साथ आए हैं, थोड़ा मतलब चिल हो जाता है, थोड़ा घूमना भी हो जाता है इधर। इधर ट्रैफिक लेकिन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक में ही आप लोग का 30 मिनट्स तो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे रेड सिग्नल। अरे यार A few inches later अरे भाई फिर से ट्रैफिक, भाई दिमाग खराब हो जा रहा है यार। और हम लोग यहाँ पे भागा के भी नहीं जा सकते, ज्यादा भगाएंगे तो चालान पहुंच जाएगा घर, तो इसलिए यहाँ आने से हम लोग को स्लो भी चलाना पड़ता है। A few inches later यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ट्रैफिक बट अभी ग्रीन सिग्नल दिया,
तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग पहुंच गए, ये क्या महाराजा है ना, अई महाराजा है ना, महाराजा टॉकीज। चलो फिर जाएंगे अभी। तो हम लोग पहुंच गए 11:15 में और अभी 10 मिनट बाकी है, इसके चलते लेट हुआ है। कहाँ पैसा देना भूल जाता है, इसको नींद लगता है गाड़ी चलाते वक्त। चल 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 जाते हैं। और One eternity later. तो गैस मैं घर आके पहुंच चुका हूं, मतलब हम लोग सब घर आके पहुंच चुके हैं। और संडे दिन आपको पता ही होगा, उधर बाबू भैया का मीटअप था और भी बहुत कुछ काम था हम लोग का, तो हम लोग उस दिन रिव्यू दे नहीं पाए थे और आज मैं रिव्यू दे रहा हूं। तो मूवी के बारे में बात किया जाए तो मूवी ठीक ठाक ही है, मतलब एक बार आप लोग वॉच कर सकते हो, मतलब उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, मतलब एवरेज है, चलेगा। और खासकर मुझे जो चीज़ अच्छा लगा वो था पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी का। तो अगर आप लोग वो मूवी देखने के लिए जा रहे हो तो मूवी एंड होने तक आप लोग वेट करना, थोड़ी देर के लिए वेट करना, उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा, उसके बाद आप लोग वो एंजॉय कर सकते हो, वो एकदम मस्त है भाई। और बाकी सब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना हाइप था मूवी के लिए, बट उतना तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, चलेगा। और मैं ये वीडियो को घर आके एंड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरा GoPro का बैटरी भी ख़त्म हो गया, तो वो वीडियो में एंड नहीं कर पाया था। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।